ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह के 7 बजे से, और मैं फ्रेश व्रेश होकर आ गई हूँ। अभी जाती हूँ मैं रेडी होने, क्योंकि मुझे जाना स्कूल। आज मैं जा रही हूँ थोड़ा लेट, क्योंकि बच्चों की छुट्टी बारिश की वजह से, आप लोगों को पता ही होगा बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो बच्चों की तो है छुट्टी, बट हमें जाना है और हमें थोड़ा लेट जाना है, इसीलिए आज मैं उठी भी थोड़ा सा लेट। और अब मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो मैंने आज ही ग्रीन कलर का सूट वियर किया है, जो आप लोगों ने मोस्टली मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। तो पहले मैं बनाती हूँ अपने बाल, और मेरे बालों को बनाना बहुत टफ है, तो इसलिए पहले मैं 2 पार्टीशन कर लेती हूँ कॉम करने के लिए। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही घने हैं, तो 2 पार्टीशन करने में भी ये सुलझते होंगे, तो पहले इस साइड से उलझा लेती हूँ मैं। Two thousand years later. Day stage. अभी मेरा हेयर स्टाइल रेडी हो गया है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। अब बारी है मेरी स्किन केयर की, और मैं इतना महंगा और इतना प्रीशियस अपना प्रोडक्ट यूज़ करती ना कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। तो ये है मेरा प्रोडक्ट जो मैं स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ, जो कि है जॉनसन बेबी का क्रीम। हाँ, तो मैं बचपन से ही जॉनसन बेबी यूज़ करती हूँ, और मैं अभी तक जॉनसन बेबी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्किन के लिए। ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, और मेरी स्किन को भी अच्छा लगता है। मतलब और कोई प्रोडक्ट मेरे फेस पे सूट ही नहीं होता, और मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया, इसलिए मैं जॉनसन बेबी यूज़ करती हूँ। दैट्स इट, काफ़ी हो जाता है। और वैसे तो मैं नॉर्मली डेज़ में ना, जब स्कूल जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ, सीधे जॉनसन बेबी क्रीम लगाया और लिप बाम लगाया बस। क्योंकि ये होता ना, हम वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं ना, हम मेकअप करके जाएंगे तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। तो आजकल अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेकअप बनता है। तो मैंने लगा लिया जॉनसन बेबी क्रीम। मैं लिपस्टिक लगाऊंगी नहीं, थोड़ा सा लिप लाइनर लगा लेते हैं। थोड़ी सी शेड में, अब थोड़ी सी वैक्स क्रीम। ये आ गया काजल। काजल इसीलिए लगा रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि आई फ्लू हो रहा है ना, तो मतलब लोगों को आई फ्लू हो रहा है तो फिर इचिंग हो जाती है, तो काजल से इचिंग नहीं होती है, इसीलिए काजल लगा रही थी।
और मेरी आईज में ना काजल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और काजल लगता भी नहीं, देखो कितने सारे आंसू आ गए। मेरी आंखों में काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करो, अभी मजबूरी में लगाना पड़ेगा ना, वरना बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाएगी। मैं लगाती नहीं काजल, पर मजबूरी में लगाना पड़ता है। तो अभी जेल का ताला खुल गया और मैं हो गई हूँ उड़ने को तैयार, तो मैं चलती हूँ अब बाहर को। ये रोड पूरी खाली हो रही है, दूर दूर तक कोई बस का नामो निशान ही नहीं है। पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं अभी अपने स्कूल पहुंच गई। मैंने ना पहले ये टाइम टेबल प्रिपेयर किया था, बट इसमें थोड़ी सा करेक्शन करना है, तो पहले मैं इसे करेक्शन करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो अभी मेरा टाइम टेबल रेडी हो चुका है, ये रहा मेरा टाइम टेबल। और मैं क्लास टीचर हूँ क्लास फोर्थ की, तो मेरा टाइम टेबल सही कर दिया मैंने। अब मैं इसको स्टिक करके आती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं। तो अभी बजे 1:30 और मैं स्कूल कैंपस से बाहर आ गई हूँ, बैठी हूँ अपने स्टॉप पर, बस का वेट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से बस नहीं आई है, वेट ही कर रही हूँ यहाँ पर। तो वैसे जो लोग सोचते हैं ना कि छुट्टी वाले दिन टीचर्स जाती हैं क्या ही करती हैं, खाली बैठे रहती होंगी, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया कि हम खाली नहीं बैठे रहते, हम कुछ ना कुछ जो हमारा पेंडिंग वर्क होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बट थोड़ा सा ही दिखाया मैंने आपको, वैसे हम करते हैं बहुत ज़्यादा वर्क, पर ब्लॉग अगर वीडियो ब्लॉग ही बनाते रहूँगी तो काम कब करूँगी ना। तो मैंने छोटी सी क्लिप आप ऐड कर दी है ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।